हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि पादप हार्मोन्स। इससे पिछली क्लास में अपन ने बाग लगाने की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। बाग लगाने की विधियाँ प्लांटिंग मेथड तो 6 प्रकार की थी। आज हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पादप हार्मोन। देखो, पादप हार्मोन एक तो वृद्धि नियामक, एक वृद्धि रोधक, दो प्रकार से। पादप हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक रसायन जो पौधे में एक बाग में उत्पन्न होते हैं, इसी बाग से उत्पन्न होकर या उस उत्पत्ति बाग से दूर जाकर पौधे में अनेक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे कि वृद्धि करना, जड़ों का विकास करना, ठीक है, फूल आना, फल बनना या फलों का गिरना आदि क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। इसमें आता है पहला पादप वृद्धि नियामक हार्मोन में आता है ऑक्सिन। पहला क्या आता है अपना ऑक्सिन। देखो ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन जो है ये हो जाता एफ डब्ल्यू वेंट, जो वैज्ञानिक है उसने इसकी खोज की थी। और ये जई के प्रांकुर चोल से, इससे जो जई के प्रांकुर चोल से इसे खोजा गया था। किससे खोजा गया था? जई के प्रांकुर चोल से। किसने खोजा था? एफ डब्ल्यू नाफ एक वैज्ञानिक है जो खोज करता है इसका ऑक्सिन हार्मोन का। ये क्या होता है? अग्र कलिकाओं में बनता है। साधन बनता है ये अग्र कलिकाओं, अग्र कलिकाओं में बनता है। कहाँ बनता है? अग्र कलिकाओं में बनता है। ये सबसे पहले ऊपर सर्वाधिक कहाँ बनता है? ये अग्र कलिकाओं में बनता है कि ऊपर, और इसके बाद कहाँ आता है? नीचे। इसके बाद में कहाँ? नीचे, यानी कि सबसे पहले अग्र कलिकाओं में बनता है और फिर नीचे की ओर आता है, और डीएनए आरएनए निर्माण में सहायक है। इसमें सहायक है ये डीएनए व आरएनए निर्माण में क्या है? सहायक है। डीएनए आरएनए निर्माण में सहायक है। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। एफ डब्ल्यू वेंट ने इसकी क्या की? खोज की। अग्र कलिकाओं में बनता है, इसके बाद में नीचे की ओर आता है, और डीएनए व आरएनए निर्माण में क्या ये सहायक है। और इसे एपिकल बड डोमिनेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एपिकल बड डोमिनेंस भी कहते हैं। एपिकल बड डोमिनेंस भी कहते हैं। एपिकल बड डोमिनेंस भी कहते हैं क्यों? क्योंकि अग्र कलिकाओं में बनता है। यह किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा। देखो ऑक्सिन के प्रकार, अब क्या है ऑक्सिन के प्रकार? ऑक्सिन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते? एक तो होता है देखो प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम। एक तो कौन सा होता है? प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में आ जाता है आपका आई ए ए, और दूसरा कौन सा आता है? आई बी ए। कृत्रिम में कौन सा आता है आपका? एन ए ए, और दूसरा 2,4-D। दूसरा कौन सा आता है? 2,4-D। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक हार्मोन की। प्राकृतिक हार्मोन में आता है आई ए ए, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? इंडोल
एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका, इंडोल एसिटिक एसिड। कौन सा हार्मोन है, प्राकृतिक दो ही हार्मोन है आई ए और आई बी ए। तो पहला आता है इंडोल एसिटिक एसिड, ये पौधों की वृद्धि व फूल बनने में सहायक है। इसमें सहायक है ये पौधों की वृद्धि व फूल बनने में सहायक है, पौधों की वृद्धि व फूल बनने में सहायक है, बिना पके फलों को नीचे गिरने से रोकता है। तो बिना पके फल होते हैं उनको नीचे गिरने से रोकता है, यानी कि बिना पके फलों को नीचे गिरने से रोकता है। ठीक है, आई ए इंडोल एसिटिक एसिड जो बिना पके फलों को नीचे गिरने से रोकता है। इसकी 100 से 200 ppm मात्रा का हमें लेते हैं, कितने लेते हैं, 100 से 200 ppm। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। अब आता है आपका आई बी ए, दूसरा कौन सा अपना आई बी ए, देखो आई बी ए इसे बोलते हैं इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, क्या होगा इसका, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसे क्या बोला जाता है, इसे रूटेक्स भी बोला जाता है, ये जड़ों के विकास के लिए सहायक होता है। किसके लिए सहायक है, ये जड़ों के विकास के लिए सहायक है, इसके लिए है जड़ों के विकास के लिए सहायक है, इसके निर्माण में सहायक है जड़ों के विकास के लिए। इसे क्या बोलते हैं, रूटेक्स, व्यापारिक नाम क्या इसका, रूटेक्स, इसका व्यापारिक नाम क्या है, रूटेक्स नाम है, क्या नाम है इसका व्यापारिक, रूटेक्स। ठीक है, जड़ों के निर्माण में या जड़ों के विकास के लिए सहायक है। अब बात करते हैं अपन कृत्रिम हार्मोन की, प्राकृतिक कौन से, आई ए आई बी ए। आई ए इंडोल एसिटिक एसिड जो कि पौधों की वृद्धि और फूल बनने में सहायक है और बिना पके फलों को नीचे गिरने से रोकता है, और आई बी ए इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, आई बी क्या होता है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड इसका नाम है पूरा नाम, और रूटेक्स जड़ों के विकास के लिए क्या ये सहायक है। अब देखो कृत्रिम हार्मोन कौन सा, कृत्रिम हार्मोन, कृत्रिम हार्मोन में है एन ए ए और 2,4-D। देखो एन ए ए, एन ए ए क्या करता है, कच्चे फलों को गिरने से रोकता है, क्या करता है ये, कच्चे फलों को गिरने से रोकता है। एन ए ए का क्या नाम होता है, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, क्या नाम होता है एन ए ए का, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, और कच्चे फलों को गिरने से रोकता है, कच्चे फलों को गिरने से रोकता है, कच्चे फलों को गिरने से रोकता है, और फूलों के विविधीकरण में सहायक है। दूसरा क्या है, फूलों के विरलीकरण में सहायक है, फूलों के विरलीकरण में सहायक है। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, प्लेनोफिक्स, क्या नाम इसका व्यापारिक नाम, प्लेनोफिक्स, क्या इसका व्यापारिक नाम है, ट्रेड नेम है प्लेनोफिक्स, इसका व्यापारिक नाम क्या है, प्लेनोफिक्स। एन ए ए नेप्थेलिक एसिटिक एसिड कच्चे फलों को गिरने से रोकता है और फूलों के विलयीकरण में सहायक है, प्लेनोफिक्स।
व्यापारिक नाम है इसका, प्लेनोथिक्स क्या इसका व्यापारिक नाम है। अब बात करते हैं अपन टू फोर डी, ये टर्टियरी हार्मोन है अपने एन ए टू फोर डी, तो दूसरा आता है अपना टू फोर डी एक हो गया। अब दूसरा आता है अपना टू फोर डी, देखो टू फोर डी का क्या नाम था, टू फोर डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, टू फोर डाई क्लोरो फिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, ठीक है। ये इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है टू फोर डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। इसके व्यापारिक नाम क्या होता है, बिडोन, व्यापारिक नाम क्या है इसका, विटोन, और प्लांट गार्ड, विटोन और प्लांट गार्ड। देखो टू फोर डी क्या होता है, ये 1942 में विश्व का फर्तम खोजा गया, खरपतवार नासी है। देखो व्यापारिक नाम विडोनिया प्लांट गार्ड, और 1942 में विश्व का प्रथम खोजा गया खरपतवार नासी। देखो टू फोर डी की यदि इसकी 20 ppm से कम मात्रा हार्मोन का कार्य करती है, 20 ppm से कम मात्रा हार्मोन का कार्य करती है, जबकि जबकि 20 ppm से अधिक मात्रा किसका काम करती है, खरपतवार नाशी का, खरपतवार नाशी का कार्य करती है। ppm से अधिक मात्रा किसका कार्य करती है, खरपतवार नाशक का कार्य करती है, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। व्यापारिक नाम विडोन प्लांट गार्ड, और 1942 में विश्व का प्रथम खोजा गया खरपतवार नाशक है। इसकी 20 ppm से कम मात्रा तो हार्मोन का कार्य करती है, 20 ppm से ज्यादा ले लिया तो किसका कार्य करती है, ये खरपतवार नाशक का कार्य करती है, किसका कार्य करती है, खरपतवार नाशी का कार्य करती है। देखो ऑक्सीजन सबसे पहले अपन क्या पढ़ा, ऑक्सीजन, अभी तक क्या पढ़ रहे हैं अपन, ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। देखो ऑक्सीजन एफ डब्ल्यू वेंट कौन है इसके खोजकर्ता, एफ डब्ल्यू वेंट ग्रीक भाषा का शब्द है, जय के प्रांकू चोल से निकल खोजा गया है, अग्रकलिकाओं में बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, अग्रकलिकाओं के नीचे की ओर जाता है, डीएनए व आरएनए निर्माण में सहायक है, इसे एपिकल बड डोमिनेंस भी कहते हैं। ऑक्सीजन के प्रकार प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक कौन कौन से, आई ए और आई बी ए। देखो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड पौधों की वृद्धि और फूल बनने में सहायक है, पौधों की वृद्धि और फूल बनने में सहायक है, और बिना पके फलों को नीचे गिरने से रोकता है, बिना पके फलों को नीचे गिरने से क्या करता है, रोकता है 100 से 200 ppm मात्रा। आई बी ए इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, रूटेक्स हार्मोन भी कहते हैं, रूट सिस्टम क्या करता है, मजबूत करता है, रूटेक्स यानी कि रूट यानी जड़े, तो देखो जड़ों के विकास के लिए सहायक है, इसके लिए है जड़ों के निर्माण में सहायक है। अब बात करते हैं कृत्रिम, कृत्रिम हार्मोन दो है, एन ए टू फोर डी, एन ए नेपथेलिक एसिटिक एसिड कच्चे फलों को गिरने से रोकता है, फलों के विलयीकरण में क्या है, सहायक है, फलों के विलयीकरण में सहायक है। प्लेनोथिक्स क्या है इसका, व्यापारिक नाम है, प्लेनोथिक्स व्यापारिक नाम है, यानी कि मार्केट में किस नाम से मिलता है, प्लेनोथिक्स। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड,
आगे व्यापारी नाम विडोन प्लांट गार्ड, विडोन प्लांट गार्ड 1942 से 1900 का प्रथम खोजा गया खरपतवार नाशी है। इसकी 20 ppm से कम मात्रा हार्मोन का कार्य करती है और 20 ppm से अधिक मात्रा किसका कार्य करती है, ये करती है खरपतवार नाशी का। और हार्मोन का कार्य 20 ppm से कम मात्रा और अधिक मात्रा हुई तो खरपतवार नाशी का कार्य करती है। ये क्या थे अपने ऑक्जीन, ऑक्जीन के प्रकार। अब बात करते हैं अपन जिब्रेलिन, ठीक है, अब बात करते हैं अपन जिब्रेलिन। आगे समझ में, देखो ऑक्जीन, ऑक्जीन दो प्रकार से, प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कौन सा है, आई ए आई बी ए, आई ए ए और आई बी ए। कृत्रिम एन ए ए और 2,4-D। आई ए ए इंडोल एसिटिक एसिड क्या करता है, पौधों की वृद्धि व फूल बनने में सहायक है, बिना के फलों को नीचे गिरने से रोकता है। और आई ए इंडोल ब्यूटायरिक एसिड रूटेक्स जड़ों के विकास के लिए सहायक है। कृत्रिम, कृत्रिम के अंदर आ गया एन ए ए और 2,4-D, एन ए ए और 2,4-D। नेप्थेलिक एसिटिक एसिड कच्चे फलों को गिरने से रोकता है, फूलों के विलयीकरण में क्या है सहायक है। प्लेनोफिक्सिस का क्या है वैज्ञानिक नाम है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। व्यापारिक नाम क्या है, विडोन प्लांट गार्ड 1942-1900 का प्रथम खोजा गया हार्मोन, प्रथम खोजा गया खरपतवार नाशी कौन सा है, सॉरी खरपतवार नाशी है, प्रथम खरपतवार नाशी 2,4-D। इसकी 20 ppm से कम मात्रा हार्मोन का कार्य करती है और अधिक मात्रा किसका करेगी, खरपतवार नाशी का कार्य करेगी, ठीक है। अब देखो, अब आता अपना जैसे कि दूसरा अपन ले लेते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन देखो नाम से ही है, जिब्रेलिन क्या करता है फलों का आकार बढ़ाता है, जिब्रेलिन क्या करता है फलों का आकार बढ़ाता है, यानी कि जबरा कर देता है फलों को। जिब्रेलिन क्या करता है फलों का आकार बढ़ाता है। ये 9 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अब सर्वप्रथम कौन सा खोजा गया था, सर्वप्रथम खोजा गया था, सर्वप्रथम खोजा गया GA3, सर्वप्रथम कौन सा खोजा गया GA3। ये 9 प्रकार के कौन से होते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं GA1 से GA9 तक, ठीक है। इसे प्लांट मोटिवेटर, इसे क्या कहते हैं, प्लांट मोटिवेटर, इसे क्या कहते हैं, प्लांट मोटिवेटर ग्रोथ रेगुलेटर, इसे क्या कहते हैं, प्लांट मोटिवेटर ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लांट मोटिवेटर ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। खोज किसने की थी इसकी, खोज की थी इसकी कोरोसोवा, किसने की थी कोरोसोवा। अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने में, अरे कैसे, अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने में, अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने में, बीज रहित बनाने में, फलों को बीज रहित बनाने में, फलों को बीज रहित बनाने में, गन्ने में पेड़ की लंबाई बढ़ाने में, गन्ने में पेड़ की लंबाई बढ़ाने में, गन्ने में पेड़ की लंबाई बढ़ाने में, फलों में मिठास बढ़ाने में, फलों में मिठास
बढ़ाने में, ठीक है। इसका मुख्य इरादा फलों का आकार बढ़ाने में, फलों का आकार बढ़ाने में, जिब्रेलिन का कार्य होते हैं तो फलों का आकार बढ़ाने में, और एक कोशिका का आकार बढ़ाने में, आकार बढ़ाने में, ठीक है। जिबरेलिन 9 प्रकार के होते हैं, GA1 से GA9 तक। सर्वप्रथम खोजा गया GA3। प्लांट मोटिवेटर ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, प्लांट मोटिवेटर ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। खोज कोरोसोवा, खोज किसने की, कोरोसोवा। अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने में, अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने में सहायक है। बीज रहित बनाने में, गन्ने की पेड़ी की लंबाई बढ़ाने में, और फलों में मिठास बढ़ाने में, कोशिका का आकार बढ़ाने में, कोशिका का आकार बढ़ाने में। अगला अपना आता है साइटोकाइनिन। तीसरा कौन सा अपना, साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन साइटो काइनिन, देखो इसकी खोज की थी स्कू व मिलर, स्कू और मिलर ने, किसने की थी इसकी खोज, स्कू और मिलर ने। तंबाकू की इंटरनोड से निकाला गया है, कहां से निकाला गया है, तंबाकू के इंटरनोड से निकाला गया है, तंबाकू के इंटरनोड से निकाला गया है, साइटोकाइनिन स्कू और मिलर ने, और तंबाकू के इंटरनोड से निकाला गया है। यह केवल प्राकृतिक अवस्था में, यह क्या होता है, यह केवल प्राकृतिक अवस्था में पौधे के अंदर निर्मित होता है, पौधे के अंदर निर्मित होता है, पौधे के अंदर निर्मित होता है। साइटोकाइनिन स्कू है मिलर, तंबाकू के अंदर इंटरनोड से निकाला गया है, यह केवल प्राकृतिक अवस्था में पौधे के अंदर निर्मित होता है। देखो इसका काम क्या होता है, साइटोकाइनिन, साइटो सेल डिवीजन, साइटो सेल डिवीजन। इसका कार्य क्या है मैन, इसका कार्य है कोशिका विभाजन का, क्या कार्य है इसका, कोशिका विभाजन का, क्या कार्य है इसका, कोशिका विभाजन का, यानी कि कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता है, कोशिका की संख्या को बढ़ाता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, ठीक है, कोशिका की संख्या को बढ़ाता है। ये अपने क्या है, पादप वर्धि नियामक हार्मोन है, क्या है, पादप वर्धि नियामक हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ऑक्जिन साइटोकाइनिन जिब्रेलिन, ऑक्जिन साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। देखो ऑक्जिन हार्मोन, ऑक्जिन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ऑक्सीजन की खोज एफडब्ल्यू वेंट ने की थी, ग्रीक भाषा का शब्द है, और डीएनए आरएनए निर्माण में सहायक है, एपिकल बड डोमिनेंस में कहते हैं कि ये ऊपर की कलिकाओं में बनता है। ऑक्सीजन के प्रकार प्राकृतिक आई ए आई बी ए, इंडोल एसिटिक एसिड पौधों की वृद्धि व फूल बनने में सहायक है, बिना पके फलों को नीचे गिरने से रोकता है, और IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, रूटेक्स भी बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं, रूटेक्स, व्यापारिक नाम इसका रूटेक्स, जड़ों के विकास के लिए, जड़ों में निर्माण के लिए रूटेक्स, यानी कि रूट सिस्टम। कृत्रिम NA नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड, प्लेनोफिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, प्लेनोफिक्स। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, और इसका क्या काम था, 20 ppm से कम मात्रा हार्मोन का, 20 ppm से अधिक मात्रा खरपतवार नाशक का कार्य करती है। इसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन प्लांट मोटिवेटर ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, और इसका कार्य क्या है, फलों का आकार बढ़ाने में सहायक है। साइटोकाइनिन इसका कार्य क्या है, कोशिका विभाजन का, क्या कार्य इसका, कोशिका विभाजन का। अब देखते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन वर्धि रोधक हार्मोन, अब कौन से हार्मोन की बात करेंगे, वर्धि रोधक, ये तो वर्धि नियामक हार्मोन है,
अब देखो वर्धी रोधक हार्मोन, वर्धी रोधक हार्मोन जो वर्दी को रोकते हैं, ये तो बढ़ाते हैं और ये क्या करते हैं, वर्दी को रोकते हैं। तो सबसे पहले आएगा ए बी ए। देखो यह स्ट्रेस हार्मोन भी, कौन सा हार्मोन है, ए बी ए स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसे, एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है इसका, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, क्या नाम इसका, एब्सिसिक एसिड। खोज 1960 में, खोज कब हुई थी इसकी, 1960 में। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। देखो ए बी ए से भी याद रख सकते हो, ए बी एब्सिसिक एसिड बीच में आएगा ना, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्टोमेटा खुलने व बंद करने में सहायक है, कार्य क्या इसका, स्टोमेटा रुधिरांड्र अवकाश है, खुलने व बंद होने में सहायक है, स्टोमेटा खुलने व बंद करने में सहायक है, स्टोमेटा खुलने व बंद करने में सहायक है। कौन सा हार्मोन, ए बी ए, कौन सा हार्मोन है, ए बी ए, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अगला आता है, अगला दूसरा हार्मोन है मेलिक हाइड्रे जोइड, मेलिक हाइड्रे जोइड, क्या बोलते हैं इसे, एमएच, मेलिक हाइड्रे जोइड। स्पाउ स्टॉप, कौन किसने खोज की थी इसकी, स्पाउ स्टॉप ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ने इसका नामकरण किया था स्पाउ स्टॉप ने, ठीक है। प्याज देखो किसके, कार्य क्या इसका, प्याज के भंडारण में अंकुरण को रोकने में सहायक है, प्याज के भंडारण में अंकुरण को रोकने में क्या है ये, सहायक है। इसे क्या कहते हैं, एंटी स्प्राउट, एंटी स्प्राउट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एंटी स्प्राउट हार्मोन भी कहते हैं, एंटी स्प्राउट हार्मोन भी कहते हैं। ये किस किस में, ये देखो प्याज लहसुन मूंगफली आदि के अंकुरण को रोकने के लिए, आदि के अंकुरण को रोकने के लिए काम लिया जाता है, मेलिक हाइड्रो हाइड्रेट जोइड, एमएच, प्याज के अंकुरण को, लहसुन मूंगफली के आदि के अंकुरण को रोकने के लिए काम ही लिया जाता है। कितनी मात्रा रहती है, 1500 से 2500 ppm काम में लेते हैं। इसके बाद में आते हैं अपना तीसरा जो वर्दी हो जाए, पहला कौन सा है, एबीए एब्सिसिक एसिड, खोज 1960 में, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्टोमेटा खुलने व बंद करने में सहायक है, मेलिक हाइड्रोजन मेन कार्य है कि
प्याज के भंडारण अंकुरण को रोकने के लिए, या फिर इसे क्या कहते हैं एंटी स्प्राउट हार्मोन भी कहते हैं, प्याज लहसुन मूंगफली आदि के अंकुरण को रोकने के लिए 1500 से 2500 ppm काम में लेते हैं। अब बात करते हैं इथाइलिन। देखो इथाइलिन है, इसका कार्य है, क्या कार्य इसका, फलों को पकाने में सहायक, इसमें फलों को पकाने में सहायक है। पानी में क्या है ये, पानी में घुलनशील है, पानी में क्या है घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। इथ्रेन, ये दो होते हैं इथाइलिन, जैसे कि इथ्रेन इथेफोन, क्या क्या इसके कृत्रिम रूप, इथ्रेन और इथेफोन। देखो जो इथ्रेन है, इथ्रेन तो केले को पकाने में, और इथेफोन, इथेफोन किस में काम में लिया जाता है, गन्ना, इथेफोन किस में गन्ने को पकाने में काम में लिया जाता है। इथ्रेन केले को पकाने में, केले के फलों को पकाने में, और इथेफोन गन्ना गन्ने को पकाने में। यह श्वसन दर को क्या देता है, बढ़ा देता है। यह हार्मोन क्या करता है, इथाइलिन जो हार्मोन है यह क्या करता है, यह श्वसन दर को क्या कर देता है, श्वसन दर को बढ़ा देता है। श्वसन दर को बढ़ा देता है। देखो इथाइलिन, इथाइलिन दो प्रकार से, एक तो इथ्रेल और एक इथेफोन। इथ्रेल और इथेफोन इनका ध्यान रखना, इथ्रेल केला को पकाने में, इथेफोन गन्ने को पकाने में। ये क्या कर देता है, ये फलों के अंदर श्वसन दर को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, जो स्टार्च होता है, जो स्टार्च जो होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में। किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इथाइलिन का कार्य फलों को पकाने में, ठीक है। ये वर्दी रोधक हार्मोन है, वर्दी नियामक ऑक्सिन साइटोकाइन जिबरेलिन, जिबरेलिन का आकार बढ़ाने में, इसका कोशिका विभाजन में, ठीक है। और वर्दी रोधक हार्मोन में ABA जो स्टोमेटा फूलने और बंद होने में सहायक है, मैलिकाइड जो अंकुरण को रोकने में सहायक है, इथाइलिन पकाने में, फलों को पकाने में, तो गन्ने में पूछे तो इथेफोन और इथेल केले में, इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। धन्यवाद।